आप भी फ्रेंड्स अपना उम्र निकालना चाहते हैं, कोई फॉर्म डालते हैं या कोई भी काम करते हैं, तो अगर आप अपना उम्र निकालना चाहते हैं कि आपका एज अभी तक कितना हो चुका है, तो आप अपने मोबाइल फ़ोन से बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं अपने उम्र को। शुरू से लास्ट तक हमारे वीडियो के साथ आप बने रहिए। कोई फार्म भरने में दिक्कत हो रहा है या कोई पूछ रहा है आपको एज निकालने नहीं आ रहा है, आपको डेट ऑफ बर्थ मालूम है फिर भी आपको डेट नहीं निकालने आ रहा है कि आपका कितना उम्र हो चुका है, तो शुरू से लास्ट तक हमारे वीडियो के साथ आप बने रहिए। आज की इस वीडियो में मैं कंप्लीट प्रोसेस आपको दिखाने वाला हूँ मोबाइल फ़ोन से कि आप किस तरह से अपने उम्र को निकाल सकते हैं कि अभी तक आपका उम्र कितना हो चुका है। सो गाइस, मैं हूँ सुजीत सैनी, स्वागत करते हैं आप सबका ऑनलाइन टेक पॉइंट यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और आपको हम बारी बारी से बताते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे फ्रेंड्स, अपना एज निकालने के लिए यानी कि आपका उम्र कितना हो चुका है, फार्म भर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, तो अपना एज कैलकुलेट करने के लिए एज निकालने के लिए सबसे पहले यहाँ पे आपको अपना प्ले स्टोर को ओपन करना है अपने मोबाइल फ़ोन में। जैसे प्ले स्टोर ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको सर्च करना है सिंपल सी एज कैलकुलेटर। जैसे एज कैलकुलेटर सर्च करेंगे तो इस तरह से ऑप्शन आएगा, यहाँ पे ऊपर की तरफ आपको जाना है। ये वाला लोगो जो देख रहे हैं, इसी एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करना है। यहाँ पे देख सकते हैं इस वाला को फ्रेंड, जैसे इस पर क्लिक करते हैं आप, तो इस तरह से आपको ऑप्शन मिलेगा, इंस्टॉल कर लीजिएगा। मैं ऑलरेडी पहले से इंस्टॉल करके रखा हूँ, तो मैं यहाँ से ओपन कर ले रहा हूँ। ओपन करने के बाद फ्रेंड्स, आपको इस तरह से इंटरफेस इसका देखने को मिलेगा आपको। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इस तरह से ओपन होने के बाद फ्रेंड्स, आपको इतना बात याद रहे कि आपको अपना जो है डेट ऑफ बर्थ याद रहना चाहिए। इस तरह से ऑप्शन अगर आ जाए एड्स के साथ, तो इस तरह से ऊपर की तरफ आपको देख सकते हैं, आप लिखा हुआ है एज कैलकुलेट टर कंटिन्यू टू एप, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से ऑप्शन आएगा फ्रेंड्स, तो जिस दिन आप निकालेंगे एज, उस दिन का यहाँ पे डेट ऑटोमेटिक आ जाएगा। जैसे कि आज 31/10 है, तो 31/10 आ गया। आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है आपको सिंपल से यहाँ पे डाल देना है। चलिए यहाँ पे हम एक डेट ऑफ बर्थ कोई भी डाल देता हूँ मैं यहाँ पे, जैसे मैं दो, जैसे कि यहाँ पे मैं डाल दे रहा हूँ फ्रेंड्स, ठीक है, 2/2/1988, ठीक है। यहाँ पे आप इस तरह से एज को देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे 2/2/1988 डाल दिया हमने। इस तरह डालने के बाद फ्रेंड्स, ठीक है, यहाँ पे सेव टू डेट्स लिखा हुआ है, इस पर क्लिक कर देना है आपको, नहीं तो आपको ऑटोमेटिक यहाँ पे ले लेगा, ठीक है। इस तरह भी आप देख सकते हैं ले लिया है, देख सकते हैं यहाँ पे ऑटोमेटिक नीचे की तरफ आ गया 33 साल 9 महीना 29 दिन। यहाँ पे 33 साल 9 महीना 29 दिन इनका आ चुका है टोटल। इनका यहाँ पे टोटल ईयर 33 हो गया, टोटल मंथ 405 हो गया, टोटल वीक्स 1765 इस तरह से आ गया। यानी कि टोटल हावर्स कितना हो रहा है, मिनट्स कितना हो रहा है, सेकेंड्स कितना हो रहा है, टोटल ए टू जेड फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं कि सब कुछ यहाँ पे डिटेल्स के साथ इनका यहाँ पे निकल करके आ चुका है, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने एज को निकाल सकते हैं। और जैसे ऊपर किताब जाएंगे या फिर से यहाँ पर कुछ चेंज करेंगे यहाँ से आप, ठीक है, जैसे 2008 लिखते हैं, फिर अलग क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे 15 साल 8 महीना 29 दिन हो गया ऑटोमेटिक। इस तरह से आप केवल इस पर चेंज करते जाना है अपने डेट ऑफ बर्थ को जिनका भी निकालना है, और उसके बाद ऑटोमेटिक डेट ऑफ बर्थ निकल करके आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। ये साइबर के हवाले के लिए, ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं जो आदमी, उनके लिए इस तरह से ये ट्रिक्स जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। वीडियो का कैसा लगा कमेंट करके बताइए, और इस तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए।